अधिकारी व कर्मचारी भूख हड़ताल पर है। ये आप लोग जो देख पा रहे हैं भिवानी के लघु सचिवालय के ठीक सामने सांकेतिक भूख हड़ताल पर है। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या क्या मांगे हैं। शिक्षा विभाग के जुड़े हुए अधिकारी व कर्मचारी हैं और जैसा कि इनका जो बैनर है इस पर लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री की वायदा खिलाफी। आखिर क्या क्या इनके वायदे थे और क्या क्या सरकार पूरे नहीं कर पाई। ये आप लोग जो देख पा रहे हैं ये सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। सबसे पहले शुरुआत में हम जानकारी लेंगे भाई साहब, क्या मामला क्या है, क्या हम लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जो शिक्षा विभाग में क्लरिकल एसोसिएशन बनी हुई है एहमसा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ उसके कार्यकर्ता हैं। हम लंबे समय से अपने मांगों को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते रहे लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी मुख्य रूप से मांगे जो हैं आज जो ये सांकेतिक भूख हड़ताल है ये आगे भी रहेगी या क्या है अभी आपका शुरुआत? आज सिर्फ एक दिन की, इस जिले का नंबर है भिवानी का, इसी तरह से पूरे हरियाणा में हो रही है और हम इसको आगे राज्य कमेटी हमारी आदेश देगी, राज्य स्तर का हम आंदोलन करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए लगे हुए हैं। तो हम इसके हमारी सबसे मुख्य मांग जो है, हम जो काम करते हैं जिस प्रकार का हमारा कार्य है विभिन्न तरह के काम क्लरिकल कर रहा है उसको, उसके वेतन उस रूप में नहीं मिल रहा है, उसका उसकी जो मजदूरी जो बनती है, जो उसका काम उसके साथ काम करने वाली कैटेगरी उनके वेतनमान बहुत आगे जा लिए जबकि ये कैटेगरी सबसे पिछड़ी हुई है। हम मांग करते हैं कि हमारी जो पे लेवल 6 में हमारा वेतनमान 35,400 से स्टार्ट हो क्योंकि हम जो टेक्निकल काम भी करते हैं, ई सैलरी का काम है, कैश बुक है, RTI की डीलिंग है, सब तरह के काम क्लरिकल कर रहा है। और शिक्षा विभाग की विडंबना ये भी है कि शिक्षा विभाग में तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। मिडिल स्कूलों में आप देखोगे, पूछोगे किसी का अधिकारी से कि मिडिल स्कूलों में क्लरिकल का काम कौन करता है तो आपको जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर एक भी कलर का पद सेंक्शन नहीं है। अभी कितने कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहेंगे? आज 100 के करीब कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। आज ये भिवानी जिले की बारी है, इस बार भिवानी जिले का नंबर अगली कब किस जिले की रहेगी? अगले जिले की राज्य कमेटी ने निर्धारित कर दिया, अगले जिले दादरी का होगा, कल चरखे दादरी। ये भाई साहब ये जो आप पट्टी लेके बैठे हो क्या है, ये मामला क्या है? लिपिक का वेतन मैट्रिक्स लेवल पर 6 में 35,400 लागू। सर ये क्या सरकार ने वायदा किया था आप लोगों के साथ? ये वायदा काफ़ी साल पहले किया था जी, लेकिन अब ये मुकर गई है देने से। पहले हमारा पंजाब के समान था लेकिन वो पंजाब के समान में दिया, ये तो हमारी काफ़ी सालों से डट के टाइम से भी ये वेरिफिकेशन हो गया था देने के लिए लेकिन अभी तक सरकार ने वायदा के मुकर गई है। यानी वायदा कांग्रेस सरकार ने किया था, लागू कर दिया था उन्होंने कह दिया था कि हम 1 नवंबर 2014 उसे लागू करेंगे। फिर बीजेपी सरकार का भी एजेंडा था कि हमारी सरकार आ गई तो हम लागू करेंगे लेकिन उनकी सरकार आ गई, फिर उन्होंने बोल के कह दिया कि हम समीक्षा करेंगे, इसकी समीक्षा के तौर पे आज तक कुछ नहीं हुआ। इधर आता हूँ क्या मामला है सर? ये कांग्रेस सरकार ने वायदा किया समीक्षा का, बीजेपी सरकार ने भरोसा दिलाया, हुआ कुछ नहीं। कांग्रेस सरकार ने 2014 में चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर हमारी सरकार पुणे आती है तो हम पंजाब के समान वेतनमान प्रदेश के लिपिक को देंगे, लेकिन उन्होंने उस वक्त एजेंडे में कांग्रेस ने भी रखा है हमारा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने भी रखा, अजका ने भी रखा, इनानों ने भी रखा, विभिन्न पार्टियों ने रेखांकित किया इस मुद्दे को क्योंकि हमारा धरना चला हुआ था उस वक्त 76 दिन का उस टाइम के जो वित्त मंत्री धर्मेंद्र सिंह चड्ढा, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने एक ऐसा शब्द चुना, बड़ा अच्छा लगा था हमें सुनने में तो, कि कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा, समीक्षा करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद कहा कि कर्मचारी इस मुद्दे को जुमला समझ के भूल जाए। हमारी आज ये मांग है पूरे प्रदेश के अंदर आज क्लरिकल स्टाफ सांकेतिक हड़ताल कर रहा है 10 से 4 बजे तक की। उसमें हमारे मुख्य मुद्दे हैं पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए क्योंकि
एक विधायक विधायिका 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है उसको पेंशन, लेकिन 58 वर्ष के लिए जिस कर्मचारी का चयन नहीं होता उसको पेंशन नहीं। आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या अन्याय नहीं है? क्या इसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए? क्या हमारी ये मांग जायज़ नहीं है? हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। अगर आप हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करना चाहते तो एक विधायक को भी पुरानी पेंशन लेने का फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला हमारा मुद्दा है, सरकार जो आज विभागों का निजीकरण कर रही है, हम इसके विरोध में हैं, क्योंकि विभागों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, व्यवस्था सुधरनी चाहिए। व्यवस्था सुधारना किसकी ड्यूटी बनती है, किसका कार्य है? मुख्यमंत्री का, सरकार का है, लेकिन कार्य सुधारने की अपेक्षा विभागों को सेल कर रही है। हमारा ये विरोध है। स्कूलों के अंदर आप देख लीजिए, सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बना करके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो स्कूल कार्यरत थे उन स्कूलों को CBSE को दे रही है। क्यों ना उन स्कूलों को गवर्नमेंट स्कूल के नाम से ही सुधार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? स्कूलों में आज बच्चों को 3 साल से वजीफा नहीं दिया जा रहा, ये बात गलत है या नहीं है? जो भी स्कीमें हैं उनका लाभ विद्यार्थी को नहीं मिल रहा, और स्कूलों में पोस्टें खाली पड़ी हैं, ऑफिसेज में पोस्ट खाली पड़ी हैं। आज प्रदेश का कलर 35,400 की मांग कर रहा है, क्यों नहीं दे रहे भाई? इन्होंने खुद एजेंडे में कहा कि हम देंगे, हम मुकर रहे हैं। उस बात को लेकर भी आज ये सांकेतिक हड़ताल है। आज विभागों के अंदर लिपिक के, कलर्क, असिस्टेंट के, सुपरिटेंडेंट के, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के। शुक्रिया सर। बहन जी आप भी भूख हड़ताल पर बैठे हो? बहन जी आप भूख हड़ताल पर हो? हाँ जी। क्या आप डिमांड जैसे आप बता रहे हैं सारी? हाँ, इन्होंने जो कहा है उनकी मांग जायज है। क्या लगता, क्या है आपकी, क्या मेन डिमांड क्या है? आप बैठे हो भूख हड़ताल पर? हाँ, यही NPS लागू ना, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। बहाल होनी? हाँ, यही लागू। मास्टर शेर सिंह जी आप बताओ, थोड़ा सा आपका काफी लंबा अनुभव है, क्या है ये बीजेपी कांग्रेस के बीच में पचड़े में फंस के रह गए कर्मचारी? देखिए, वर्तमान सरकार का अगर करेक्टर के बारे में आप मेरे को पूछना चाहते हो तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, डिमांड क्या क्या है और क्या अधूरी है, वायदा क्या किया था, अब कहाँ फंसे हुए हम? सरकार ने वायदा ये किया था कि हम आपको पंजाब के समान वेतनमान, पंजाब के समान भत्ते और सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये सरकार ने कहा था। कांग्रेस सरकार ने किया था? नहीं, सभी सरकारों ने कर, हम जब सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जब हम अलग हुए पंजाब से, जैसे हिमाचल भी अलग हुआ, हम भी पंजाब से अलग हुए, हम सिस्टर स्टेट हैं पंजाब के, तो उस टाइम ये था कि भाई आपको पंजाब के समान वेतनमान और भत्ते दिए जाएंगे। परंतु उसके बाद जितने भी सरकारें आई, मैं किसी सरकार की सराहना नहीं करना चाहता यार, जितने भी सरकारें आई उन्होंने कट करने की कोशिश की, और सबसे ज्यादा कट करी उन्होंने हमारे को मिनिस्ट्रल स्टाफ के साथ और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, और भी कई डिपार्टमेंट थे। परंतु उस टाइम जो ज्यादा लड़ गया वो कुछ ज्यादा ले गया। अब जो ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी, इनकी क्या डिमांड है, अगला क्या स्टेप रहेगा, और क्या वायदा खिलाफी, जो एक पुरानी पेंशन की जो बात कर रहे हैं बार बार में, क्या है ये पचड़ा, क्या है, कोई सोल्यूशन होगा, कुछ सुलझ पाएगा, सरकार कुछ ध्यान देगी या समीक्षा पर ही अटकी रहेगी? सुनिए, समस्या का समाधान हर बार लड़ाई की ताकत के ऊपर होता है, जितनी इनकी ताकत बढ़ती चली जाएगी उतना लेते चले जाएंगे। आपको पता होगा 13 महीने तक जो किसान बैठे रहे और लास्ट तक क्या कह रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे कि इनको वैसे खाली हाथ आना पड़ेगा। मोदी जी की तो आदत है, वो प्रेस के सामने तो कभी आते नहीं ना, वो तो मन की बात करते हैं, और उसका मन क्यों उल्टा, उसको ये उल्टा कि आम जनता विरोध में हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, अकेले किसान नहीं जीत सकते थे, अगर सभी का सहयोग हमारे को ना मिलता, मजदूर का ना मिलता, कर्मचारी का ना मिलता, छोटे दुकानदार का ना मिलता, रिटायर्ड का ना मिलता और आम जनता का ना मिलता, तो हम नहीं जीत सकते थे। इसलिए इस प्रकार के आंदोलन करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने समाज की बुनकर को देखें। आज भी हमारा जो देश है वो गाँव का देश है, आज भी आप देख रहे हैं कि ये आर्मी है, आर्मी के अंदर मैं दावे से कह सकता हूँ 90% जो है वो गांव से आए बच्चे हैं, और अगर आप ये देखोगे जितने शहीद हुए, मैं कह सकता हूँ 95% जो शहीद हुए वो गांव के रहने वाले बच्चे ही शहीद हुए हैं। और आज जो ये इस प्रकार की नीति ला रहे हैं
कि जब बताइए आज तक मैंने कभी नहीं सुना था कि किसी जनतांत्रिक देश के अंदर शिक्षा विभाग की बात करें मास्टर जी, हम शिक्षा विभाग की भूख हड़ताल में हैं, इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि भूख हड़ताल अगला क्या स्टेप रहेगा, सरकार आदि यदि ध्यान नहीं देती है तो क्या कर्मचारी किस प्रकार का स्टेप उठाएगा, आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अन्य कर्मचारियों का जनता का साथ लेना पड़ेगा। और मैं तो एक ही बात कहा करता हूँ, रास्ते लड़ाई से निकलते हैं और रास्ता निकलेगा, और ये लड़ते रहे तो एक दिन जीतेंगे, कोई दो राय। शुक्रिया सर। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान है सरोहा जी, एक बार आप बताएं क्या मामला क्या है, आप समर्थन में आए आप इनके, आप तो डिपार्टमेंटली भी हो जी। आज ये जो हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम है, सुबह 10 बजे से लेकर अभी 4 बजे खत्म होगा। एक तो सर्व कर्मचारी संघ का मैं जिला प्रधान होने के नाते हम इनकी मांग का समर्थन करते हैं। दूसरा, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये जो मांग है इनकी बहुत पुरानी मांग है, जब हुड्डा साहब की सरकार थी उस टाइम से आंदोलन चला हुआ इनका, और उस टाइम के वित्त मंत्री थे हरमिंदर सिंह चड्ढा, वहाँ इन्होंने इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लंबा आंदोलन चलाया, लेकिन हुड्डा साहब को भी समझ में नहीं आया, वो बोला भाई मैं तो इसको 1 नवंबर को घोषणा करूंगा 2014 में, अभी मेरी सरकार तीसरी बार बन जाएगी तब। लेकिन हमने उनको कहा था कि तीसरी बार आपकी सरकार नहीं बनेगी, तो इसलिए वो इस बहम में रह गए, उन्होंने लागू नहीं किया। उसके बाद लगातार जो बीजेपी की सरकार बन गई, और बीजेपी की सरकार के घोषणा पत्र में था ये, जब इनका मैनिफेस्टो इन्होंने घोषित किया, उन्होंने क्लियर लिखा था कि हरियाणा के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो क्लरिकल कोर पुलिस को पंजाब के बराबर वेतनमान देंगे। और दूसरी जो ये घोषणा पत्र में शामिल था, बिल्कुल इनके मैनिफेस्टो में ये कह रहे थे हमारा संकल्प पत्र है, उस टाइम के अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी, उन्होंने कहा कि हमारा ये संकल्प पत्र है और हम इसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे। लेकिन जब इनकी जो मांग पूरी नहीं हुई तो महेंद्रगढ़ में आंदोलन चलाया, तो रामविलास शर्मा का बयान था कि चुनाव के वक्त वादे किए जाते निभाए नहीं जाते, बड़े शर्म की बात है, इतनी बड़ी पार्टी का नेता अध्यक्ष होने के नाते वो इस प्रकार की कहता है कि चुनाव में वादे किए जाते हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। दूसरा, उस समय के जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो राजकुमार सैनी एमपी थे, उन्होंने ये कह दिया कि अगर पंजाब के बराबर वेतनमान लेना है तो पंजाब में जाएं। हमने उनको एक बात कही थी, हमें तो वेतनमान ना मिले लेकिन आपको जरूर भेज देंगे पंजाब, उसका तो हालात हमने पंजाब वर्गी कर दिए। अब बीजेपी फंसी हुई है, एक दो बार निकल गई, अब की बार है चोट मारने का, पक्का चोट मारेंगे आपके माध्यम से कह रहे हैं। अब ये जो जनता के बीच में तरह तरह के लोक लुभावने नारे लेके आ रही है, मैं आज यो अब नया फार्मूला लेके आई है अग्निवीर के नाम से, हम इसका सर्व कर्मचारी संघ आंदोलन करेगा इसके खिलाफ, कि जो सेना के अंदर जो पाकिस्तान वर्गा माहौल पैदा किया जा रहा है ना, इसका हम विरोध कर रहे हैं कि सेना के सारे सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान में सेना के ऊपर कब्जा है, सेना जिसको चाहे प्रधानमंत्री रखे, जिसको चाहे राष्ट्रपति रखे। सरोहा जी, जो शिक्षा विभाग के क्लेरिकल स्टाफ है जो भी है, इनका वेतनमान अन्य विभाग के कर्मचारियों के बराबर है या अलग है कोई? नहीं, कम है इनका, इनका कम है, बहुत कम है। पहले अगर जेबीटी का और क्लेरिकल का वेतनमान बराबर होता था, जेबीटी जो टीचर है उसका बराबर वेतनमान होता, आज जेबीटी तो बहुत दूर बहुत ऊपर है और क्लेरिकल वहीं बैठे है। जायज मांग है इनकी, वाजिब मांग है। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि क्लर्क के दफ्तर क्लर्क से ही चलता है, अगर क्लेरिकल काम नहीं करे दफ्तर चलता नहीं, और शासन भी क्लर्क से ही चलता है, चाहे वो क्लर्क है, सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट है, जो भी तमाम जो इनके जो पद है इनके सिद्धेश चलता है, और सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। अगला क्या स्टेप रहेगा, अभी ये जिला स्तर पर आज भिवानी जिले की बारी है भूख हड़ताल की, जैसा ये बता रहे हैं जी, आपके नॉलेज में कोई नोटिस में आया हो, क्या अगला क्या स्टेप रहेगा इनका? आज का जो प्रोग्राम है, दो जिलों का प्रोग्राम है, आज अम्बाड़ा में भी भूख हड़ताल है और भिवानी में भी है, और ये 24 अगस्त का फैसला भी है सरकार का, आका में 35,400 वेतनमान कलर को देंगे। इसके बाद लगातार ये पूरे प्रदेश में भूख हड़ताल का आंदोलन चलाएंगे, और उसके बाद शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। और पहले इन्होंने घोषणा की थी भूख हड़ताल से पहले, अब शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इनको बातचीत के लिए बुला लिया, और इसी मांग पत्र पर चर्चा हुई। अब मैं बात भी बड़े स्वार्थपूर्ण वातावरण में हुई, अब मैं आपकी मांग को पूरा करूंगा, मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा, लेकिन आपको कहना चाहते हैं ये लोग जब आंदोलन फंस जाता है ना तो बुला लेते हैं, उसको पूरा नहीं करते, ये हम कहना चाहेंगे। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है सर, हमारा ये भूख हड़ताल का आज का प्रोग्राम है, इसके बाद शिक्षा मंत्री 21 अगस्त को शिक्षा मंत्री के आवास पर हम प्रदर्शन करेंगे। 21 अगस्त को राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर ये हमारा, आप जैसे पूछ रहे थे ना कि भाई अगला प्रोग्राम क्या होगा, ये भूख हड़ताल तमाम जिलों में करने के बाद हम 21 अगस्त को शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। शुक्रिया सर।
बताना चाहते हैं। जी सर बताओ। सर जी क्या कहना चाहते हो आप? देखिए हमारा आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं हम। जो सरकार ने वादे किए थे वो अपने वादे पूरे नहीं कर रही, तो क्या करेंगे हम? आंदोलन करना पड़ेगा। डायरेक्टर से मिल लिए, शिक्षा मंत्री से मिल लिए, और तो और हमें ये नहीं पता कि हम बैठे कहाँ पे हैं। हमें रिसनेटी का नहीं पता। हमें काफी 15 दिन का वादा किया था डायरेक्टर ने भी, शिक्षा मंत्री ने भी, 15 दिन में हम सीनियरिटी अपडेट कर देंगे। लेकिन आज तक ये अक्टूबर की बातें हैं, आज तक सीनियरिटी अपडेट नहीं हुई है। मतलब बहुत बड़ा जो है ना हमला सरकार कलर को पे कर रही है। शुक्रिया सर। ये शिक्षा विभाग के कैलरिकल स्टाफ के जो सदस्य हैं ये सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगला कदम इनका राज्य सत्र पर है, जैसा कि ये बता पा रहे हैं। 21 अगस्त को राज्य सत्रीय इनका एक प्रदर्शन होगा शिक्षा मंत्री के आवास पर, जो घेराव की जो ये अगली रणनीति जो होगी। इनका जो मानना है पुराना वेतनमान, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, खास तौर पर जो पंजाब राज्य के समकक्ष की ये डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार से मुद्दा उठा, बीजेपी में फंस के रह गया है, अभी कहीं ना कहीं पेच दाव पेच फंसा हुआ है। शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं ये कहाँ तक सफलता पाने में अपनी कामयाबी समझते हैं वो समय बताएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि जो राज्य सरकार है, शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्री की बात करें, वो कहीं ना कहीं इस मामले को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या लागू नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जब बीजेपी के घोषणा पत्र में इनकी मांगों को शामिल किया गया था, जैसा कि SKS के जो जिला प्रधान हैं उन्होंने बताया, जब घोषणा पत्र में जो बात लागू की जाती है, लिखी जाती है, शामिल की जाती है, और उसके बावजूद भी ये सांकेतिक भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, शर्मनाक विषय है। सरकार शासन प्रशासन को चाहिए समय पर चेतना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।